हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पर टुडे व्हाट आई ईटिंग अ डे में जो था, मैंने आज टुडे आई थॉट कि अभी मैं 2-3 दिन के इकट्ठे ही अपने ब्लॉग बना लूँगी। और यहाँ पे आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट और ये बिस्किट्स और चाय बस हैविंग, विच इज़ नॉट हेल्दी, बट द थिंग इज़ दैट कि जब मैं उठती हूँ उस टाइम गैस भी नहीं होती और मेरा ऐसा कुछ खास खाने को दिल भी नहीं करता, तो मैं ये बिल्कुल लाइट सा कुछ खा लेती हूँ। फिर ये कि मैं थोड़ी देर बाद खाना खा लेती हूँ, जैसे भी यहाँ खाने में बना है चिकन बना है, साथ में टमाटो केचप जो कि मैंने खुद टमाटर वाली जो चटनी है, टमाटो केचप कह रही हूँ सॉरी, टमाटर वाली जो चटनी है ये मैंने खुद अपने लिए बनाई है, और साथ में थोड़ी सी दही। आई एम ट्राइंग कि मैं अपनी मील में दही को भी ऐड करूँ, लास्ट में थोड़ी सी दही भी लूँ, और साथ में सैलेड और अलॉट्स ऑफ सैलेड, तो या तो खाने के पहले ही खाएँ या फिर खाने के साथ साथ खाएँ। तो दैट्स माय हेल्दी मील जो कि मैं शाम के खाने में खा रही हूँ। और खाना खाने के बाद जो था, आई वेंट टू माय रूम, और यहाँ पर आज मुझे बिस्किट्स जो मैं अपने लिए लेकर आई थी ये मैंने इस जार में रखे थे, और आई वॉज थिंकिंग टू कट ऑफ द शुगर फ्रॉम माई डाइट, बट द थिंग इज दैट के ब्रेकफास्ट में मुझे एटलीस्ट 2 बिस्किट चाहिए ही होते हैं, बिकॉज फिर उसके बाद मुझे वर्कआउट वगैरह भी करना होता है, तो इसलिए मैं 2 बिस्किट्स तो लाजमी खाती हूँ, और ब्रेड मेरा वैसे ही खाने को दिल नहीं करता। और बिफोर द वर्कआउट आई वॉज ड्रिंकिंग अ वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर, क्योंकि या तो वर्कआउट करने से पहले और वर्कआउट करने के बाद ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, इससे आप में एनर्जी रहती है, डिहाइड्रेशन नहीं होती। तो हाँ, यहाँ मैंने अपने लिए बिल्कुल लाइक आई बॉट समथिंग फॉर मी, और आई थॉट कि भाई चलो वो मैंने अपने ब्लॉग में दिखाई नहीं, लेट मी शो, जो मैंने अपने लिए 2 चीज़ें ली थी, और आई फॉरगॉट, मैं लेकर भूल चुकी थी, मैंने ये शॉपिंग बैग जो था ये साइड पे रखा हुआ था, और इसमें मैंने हार्ट स्ट्रिप्स ली थी अपने लिए, और मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही थी, वैसे तो मेरे पास पड़ी हुई थी बट मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही थी, तो मैंने जब साथ में नेल रिमूवर किया तो मुझे चाहिए था नेल रिमूवर, तो आई गॉट दिस 2 थिंग्स विच आर वेरी यूज़फुल। और फिर उसके बाद जो था, मैंने अपना फेस मास्क बनाया, बिकॉज इट्स बिन अ लॉट्स ऑफ टाइम मैंने अपनी स्किन केयर नहीं की, तो अब मैं सोच रही थी कि मैं अपनी स्किन केयर करना शुरू करती हूँ, एंड आई प्रेफर होम रेमिडीज़, तो यहाँ मैंने एलोवेरा जेल ली थी, और साथ में मैंने ग्रामफ्लोर लिया था, साथ में मैंने 1 चम्मच दही ली थी, तो विद द 3 प्योर होम मेड इन्ग्रीडियंट्स जो था, मैंने अपना ये फेस मास्क बनाया था, तो 15 मिनट्स के लिए जो है आई कीप इट ऑन माई फेस, और फिर उसके बाद जो है आई विल सी द रिज़ल्ट। और फिर अपना वर्कआउट ख़त्म करने के बाद, अपनी स्किन केयर करने के बाद जो था, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेक अ शावर। तो उससे पहले मैं अपनी वीडियो बना रही थी, बिकॉज जब भी मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करती हूँ टू चेक आउट हाउ मच आई रिड्यूस, मैं देखती हूँ कि भाई मेरी शर्ट मुझे कितनी लूज़ हो रही है, तो यहाँ अब नाउ इट्स टाइम टू टेक अ शावर, और क्योंकि वर्कआउट ख़त्म होने की कि मुझे थोड़ा टाइम तो किल करना पड़ता है, फ़ौरन से मैं नहीं लेती, सो मीनवाइल मैंने अपना ड्रेस भी निकाल लिया, अपना ड्रेस भी प्रेस कर लिया, सो ये ड्रेस जो है मुझे थोड़ा सा फैंसी लगता है, लाइक घर के लिए मुझे इसका, क्योंकि गले में थोड़ा सा काम है, वैसे तो ओवरऑल सिंपल है, कोई बिल्कुल फैंसी नहीं, बट इसके गले की डिज़ाइन की वजह से, बट आई रियली लाइक इट, और आई थिंक घर में पहनने के लिए ठीक है, इतना भी फैंसी नहीं है, बट इसके गले पर थोड़ा सा काम था, और मैं घर में इतने इस टाइप के ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ, बट जो भी है आई लाइक दैट ड्रेस, तो अभी मैं शावर लेके ड्रेस पहनूंगी। तो फाइनली मैंने शावर ले लिया है, और शावर लेने के बाद आई एम फीलिंग सो मच फ्री, अल्लाह का शुक्र है मेरा वर्कआउट हो गया। जब भी मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ, बिकॉज डे में 40 मिनट निकाल के मुझे अपना वर्कआउट तो लाजमी करना होता है, तो यहाँ पर वर्कआउट ख़त्म करने के बाद जो था, मैंने अपना फेस वॉश किया, बिकॉज बॉडी वॉश किया था मैंने, बॉडी शावर लिया था, तो यहाँ मैंने अपना फेस वॉश किया अपना, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, फेस वॉश स्किन केयर अगर आप अपना फेस वॉश करते हैं तो मॉइस्चराइज़र लाजमी, ये जो आजकल मौसम है उसमें तो लाजमी लगाएं, फिर बॉडी ड्यूडेंट लगाया जो कि लाजमी होता है, ये तो लाजमी लगाया करें, परफ्यूम लगाएं ना लगाएं, लेकिन बॉडी ड्यूडेंट जो है वो लाजमी लगाया करें। और फिर उसके बाद ये मैंने अपने लिए एक ये लिया था, और ये फिर मैं लेके भूल भी गई थी, मैंने साइड पे रखा हुआ था, सो आई थॉट कि भाई इसका भी दिखाते हैं, लिप बाम, आई लाइक लिप बाम। और फिर उसके बाद जो था, मैंने शाम में जो था मेरी
तबीयत वो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मुझे मेरी तब आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, मेरे गले में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द थी और फ्लू, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, फ्लू भी हो रहा था मुझे, काफ़ी तेज़ फ्लू हो रहा था। तो बस फिर मैंने ये डेफलोगोन जो थी पानी में डाल के पी, और फिर उसके बाद जो था मैंने अपने लिए ये अदरक वाला कहवा बनाया जिसमें मैंने दो अदरक डाले और ये पानी जो है वार्म वाटर, ज़्यादा बॉयल नहीं करूँगी, बस वार्म वाटर और उसके अंदर ये पानी ऐड करूँगी। सो आई ड्रिंक दैट कहवा, मेडिसिन से अच्छा तो ये कहवा है। तो फ्लू के लिए तो यही बेहतर है कि आप ग्रीन टी लें, इसका पैकेट लें, उसमें अदरक डाल दें, तो उससे फ्लू को बहुत फ़र्क पड़ता है। गले में दर्द हो तो दिस इज़ मेडिसिन की जगह मैं तो यही प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर फिर ये पीने के बाद जो था आई वेंट टू स्लीप, और बाकी का व्लॉग जो था आई थॉट कि मैं सुबह उठ के बनाऊँगी, और फिर सुबह उठ के जो था लंच के टाइम से मैंने अपना व्लॉग बनाना शुरू किया। यहाँ लंच में बने थे आज दाल चावल, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए थोड़े से दाल चावल लिए, साइड पे थोड़ा सा सैलेड लिया, और अपने लिए मैंने चाय भी रख दी थी, चाय भी मैंने अपने अपने लिए आधा कप बना ली डिनर करने के बाद, मुझे चाय खाना खाने के बाद सॉरी मुझे चाय बनानी थी, तो बस मैंने अपने लिए साथ में आधा कप चाय भी बना ली। और दाल चावल के साथ वैसे मुझे चाय पीने का मज़ा आता है, इट्स आई नो इट्स अ वियर्ड कॉम्बिनेशन बट आई लाइक दिस वन। और फिर यहाँ पर अपना लंच ख़त्म करने के बाद जो था ना मैंने अपना ब्रश किया, बिकॉज ब्रश जो है ना मैं ब्रेकफास्ट के बाद ही मैं लंच के बाद करती हूँ, प्रेफर टू डू डू इट आफ्टर अ लंच। वैसे मैं भूल भी गई थी ब्रेकफास्ट के बाद, वैसे मैं अक्सर कर भी लेती हूँ, बट यहाँ फिर मैंने अपना ब्रश किया 3 मिनट तो मैं करती करती हूँ। और फिर ब्रश करने के बाद जो था रात में मैंने अपना बाकी का व्लॉग बनाना शुरू किया। रात को अगेन मुझे था कि मैं एक दफ़ा और पी लूँ, क्योंकि इस कहवे से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। इस करना क्या है कि थोड़ा सा वाटर लेना, उसमें जिंजर ऐड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ एक टुकड़ा जिंजर का इसमें ऐड किया है, और एक ग्रीन टी का पैकेट, कोई भी आप जिंजर वाला या इलायची वाला कोई भी ग्रीन टी का पैकेट, जैसे मैं ये जो ले रही हूँ ये इलायची वाली ग्रीन टी का पैकेट है जो कि बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत सूट करता है। अगर मुझे वैसे भी मैं पीती हूँ, इट्स गुड फॉर अ वेट लॉस, और जैसे कि अभी मुझे फ्लू है तो मैंने इसमें ये अदरक जिंजर भी ऐड कर लिए, और हाँ इसमें 1 टेबल स्पून जो है मैं हनी का भी ऐड करूँगी। तो नेक्स्ट डे भी मैंने यही पिया क्योंकि इससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही थी, आई वॉज़ फीलिंग बेटर। तो ये पीने के बाद फिर मैं सो गई, और फिर बाकी का व्लॉग जो था मैंने नेक्स्ट डे उठ के बनाया। और नेक्स्ट डे जो था ब्रेकफास्ट में मैं ये ले रही थी अपना चीज़ सैंडविच, बट मुझे ये खाने का इतना मज़ा नहीं आया, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद ब्रेड, बट ठीक था, इतना बुरा नहीं था। इंसिस्ट ऑफ हैविंग अ बिस्किट्स मैंने आज अपने लिए ये सैंडविच बनाया, साथ में चाय लिए, बट मैंने इतना इन्जॉय नहीं किया अपना ब्रेकफास्ट। और फिर थोड़ी देर बाद जो था ना शाम में मैंने अपने लिए 2 बिस्किट लिए, अगेन मुझे बिस्किट लेने ही पड़े, साथ में मैंने 1 कप चाय बनाई क्योंकि मुझे थोड़ा काम करना था एंड आई नीड सम एनर्जी फॉर दैट। तो फिर मैंने ये बिस्किट्स ले लिए और साथ में थोड़ी सी चाय बना ली। वैसे तो फ्रूट्स खाने चाहिए, बट व्हेन यू आर एडिक्टेड विद टी तो फिर आपको चाय पीने से एनर्जी आती है, बट खैर इसके बाद फिर मैंने बहुत सारी वॉक की, और वॉक करने के बाद जो था ना मैं अपने रूम में आई, और वर्कआउट मैं आज शायद ही करूँ, बट हाँ मैंने अपनी वॉक कर लिए 30 मिनट्स की मैंने वॉक की, एंड आई वॉज़ फीलिंग सो मच टायर्ड, और रूम में आके मुझे सुकून मिला। तो अब जो है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बस यही अपना ब्लॉग एंड करती हूँ बिकॉज मेरी एनर्जी जो है ना यहीं ख़त्म हो रही है। बाकी का ब्लॉग जो है ना इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डे से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू, इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।